हेलो विवान वेलकम टू द न्यू वीडियो स्टडी स्टडीवर्स और मैं हूँ अनुभव गुप्ता तो यार जिस चीज़ का अपडेट का इंतजार बच्चे बहुत टाइम से पूछ रहे थे कर रहे थे कि सर आईएफटी के अपडेट कब आएगी आईएफटी के फॉर्म्स कब आएंगे तो फाइनली यार इसकी अपडेट और फॉर्म्स दोनों आ चुके हैं So, अगर आप आई को टारगेट कर रहे हो इस साल यानी कि 2024 से 26 के बैच के लिए तो उसकी जो एडमिशन नोटिफिकेशन है फॉर देयर प्रोग्राम्स इंटरनेशनल बिजनेस एंड बिजनेस एनालिटिक्स दोनों की आ चुकी है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है तो चलिए शुरू करते हैं इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो वहां पर आपको कैटम्बी के बॉक्स एंड वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होते हैं और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है स्टडीब एंड एजुकेशन हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस एंड फ्रेंड्स अगर आप स्टीडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है डब्ल्यू 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 डॉट स्टडी बस डॉट को डॉट इन यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स और बाकी सारे कोर्सेज की मिल जाएगी और पेनड्राइव कोर्स के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें आपको ई e बुक्स की फैसिलिटी टॉपिक वाइज है सेक्शनल मॉक्स वीकली करंट अफेयर्स और ये सारे फुल एंड मॉक्स मिलते हैं इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है और जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपेरेशन कर सकते हो इसकेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो

टाइम आपको दिया गया यानी कि आप कैट के रिजल्ट का वेट नहीं कर सकते आपको उसके कई काफी पहले आपको इसका फॉर्म भरना पड़ेगा जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है फॉरेन कैंडिडेट्स को 15 जनवरी से फॉरेन कैंडिडेट्स की आपके लिए तो बस यही डेट है 6 दिसंबर उसके बाद अगर हम कैट एग्जाम के बारे में बात करें वो ट्वेंटी सिक्स नोवर को है जो लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स होंगी वो लास्ट वीक ऑफ जनवरी टू के अंदर इनकी वेबसाइट के ऊपर आ जाएगा जो ग्रुप डिस्कशन एक्सटेम्पॉर राइटिंग स्किल्स असेसमेंट और इंटरव्यू जो होना है वो मार्च और अप्रैल 2024 में होगा और जो कमेंसमेंट ऑफ दी प्रोग्राम होना है वो हर साल की तरह ऑलमोस्ट जुलाई 2024 के अंदर ये प्रोग्राम स्टार्ट होगा अगर फ्रेंड्स आप इसमें अप्लाई करना चाहते हो तो आपको आई की वेबसाइट के ऊपर जाना है वहां पे आपको अप्लाई एडमिशन के अंदर क्लिक करना है यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्लैश भी और होगा कि लास्ट डेट टू अप्लाई ऑनलाइन है सिक्स दिसंबर टू लेकिन इससे पहले आप रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाओ आपको किसी भी कॉलेज में जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो उसके डेफिनेटली प्रोस्पेक्टर्स को रीड कर लेना चाहिए ताकि सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल सके अब आपको क्या करना है आपको फ्रेश कैंडिडेट टू क्रिएट लॉगिन के ऊपर जाना है और न्यू लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक करना है और जब आप न्यू लॉगिन के ऊपर क्लिक करोगे तो एक ऐसी टैब आपकी ओपन हो जाएगी यहाँ पे आपको अपनी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स डालनी है अपना नेम डालना है डेट ऑफ बर्थ डालना है री एंटर करना है डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी डालनी है पीडब्ल्यू डी स्टेटस डालना है ई मेल आई डी री एंटर करना है ई मेल आई डी पासवर्ड डालना है री एंटर करना है पासवर्ड और उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको सिक्स दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से पहले पहले अपनी रजिस्ट्रेशन फिनिश करनी है अगर फ्रेंड्स हम बात करें आईएफटी की तो आईएफटी के दो मेजर कैंपस है एक इनका दिल्ली का जो फ्लैगशिप कैंपस है जो इनका मेन कैंपस है कुछ साल पहले इनका कोलकाता वाला कैंपस भी शुरू हो गया था एक इनका काकीनादा वाला कैंपस भी है लेकिन अभी वहां पे कमेंसमेंट ऑफ दी प्रोग्राम नहीं हुई है जो कि इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्म किया है अगर फ्रेंड्स हम इनके मेन प्रोग्राम के बारे में बात करें वो है इनका इंटरनेशनल बिजनेस का प्रोग्राम जनरल एमबीए नहीं होता इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है तो इनकी जो, जो प्रोग्राम भी है यहाँ पे इंटरनेशनल बिजनेस का, का ये जनरल दो साल के अंदर आपके सिक्स ट्राइमेस्टर्स होंगे हर साल में तीन ट्राइमेस्टर्स होंगे और इसका फोकस होता है ऑन इंटरनेशनल बिजनेस फॉर डेवलपिंग अम्पिटेंट कार्डर ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो कि कंट्री की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट को मीट कर सके ट्रेंड पर्सन की एंड इन दी फील्ड ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट ये डेवलपमेंट होती है इन द इंटरनेशनल मार्केट ऑन दी वन हैंड एंड दी कॉन्सिक्वेंशियल इंपैक्ट जो उसका रहते है इन द इंडिया डोमेस्टिक मार्केट कॉल ये करते हैं फॉर एन इंक्रीजिंगली प्रोफेशनल अप्रोच एंड सेंसिटिविटी टू इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट अगर फ्रेंड्स इसके बारे में हम बात करें कि इसकी फी कितनी है तो अगर डेली वाले कैंपस के बारे में हम बात करें ट्वेंटी तो वन लाख रुपीज टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से ट्वेंटी थी रिफंडेबल सिक्योरिटी टेन थाउजेंड रुपीज थी और कोलकाता की भी ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन लाख रुपीज थी यहाँ पे दिल्ली में ऑलमोस्ट ट्वेंटी टू थी यहाँ पे ट्वेंटी वन थी और एक बात का आपको ध्यान रखना है लास्ट ईयर का फी स्ट्रक्चर था इस ईयर का रिवाइज फी स्ट्रक्चर ये अपनी लेके आएंगे अभी ये लाए नहीं है डेफिनेटली रिवाइज फीस स्ट्रक्चर में फीस थोड़ी सी बढ़ती है फी के अंदर ट्यूशन फी लाइब्रेरी इंटरनेट मेडिकल इंश्योरेंस हॉस्टल चार्जेस डबल ऑक्यूपेंसी बेसिस के ऊपर बोर्डिंग चार्जेस स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड एल्युमिनाई चार्जेस ये सब है अगर कोई बच्चा एस सी या पीडब्ल्यूडी डी बैकग्राउंड से आता है तो उसको फिफ्टी परसेंट कंसेशन पर्टिकुलरली ट्यूशन फी के अंदर भी मिलता है अगर फ्रेंड्स हम बात करें कि आपको फीस से घबराने की कोई जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत सारी स्कॉलरशिप्स भी हैं और बहुत इजीली बैंक लोन भी आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप यहाँ पे आपको न्यू स्कॉलरशिप स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कॉलरशिप स्कीम है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर टॉप क्लास एजुकेशन है सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप फॉर हायर एजुकेशन है मेरिट का मीन्स बेस्ड स्कॉलरशिप है टॉप क्लास एजुकेशन स्कॉलरशिप है सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर टॉप क्लास एजुकेशन इन कॉलेज और बहुत सारी अदर स्कॉलरशिप्स भी हैं जो साढ़े तीन लाख रुपए तक आपको देखने के लिए मिलती है जिनको आप कन्वर्ट कर सकते हो इसके अलावा बैंक लोन की फैसिलिटी भी आपको बहुत इजीली यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है जिसको आपको रीपे करना होता है जब आपका कोर्स खत्म हो जाता है और जब आपकी जॉब लग जाती है है उसके बाद आपको उसको रीपे करना करना स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की तो मिनिमम थ्री ईयर्स की आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में और उसमें मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स होने चाहिए फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ अगर आप रिजर्व कैटेगरी एस सी एस टी एंड पीडब्ल्यू डी कटेगरी से आते हो कैंडिडेट्स जो अपीयर कर रहे हैं क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन में यानी कि जो फाइनल ईयर में अपनी ग्रेजुएशन के वो भी एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए लेकिन उनके जो ग्रेजुएशन है वो थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक फिनिश हो जानी चाहिए इस बार ये कैट स्कोर ही एक्सेप्ट कर रहे हैं सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसका भरना पड़ेगा और फी पे करनी पड़ेगी कितनी है फी अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और कोई भी एज लिमिट यहाँ पे नहीं है तो किसी भी एज के स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो मिनिमम एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे हैं सीट्स के बारे में अगर हम बात करें तो डेली वाले कैंपस में इनकी टू हैं और कोलकाता वाले कैंपस में अराउंड टू सीट्स थ्री है कट ऑफ के बारे में अगर फ्रेंड्स हम बात करें तो कैट कट ऑफ इस साल जो भी हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं वो टेंटेटिव कट ऑफ है क्योंकि इस साल ये कैट के बेसिस पे एडमिशन कर रहे हैं तो ऐसा कह रहे हैं कि 94 से 95 प्लस परसेंटाइल अगर आपकी कैट में आती है तो आपको आई टी कॉल आ सकती है अब अगर कोई जेम कैटेगरी का डाइवर्सिटी तो के लिए अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए कट ऑफ कम हो सकती है लेकिन फिर भी आप यह कि 94, 95 के आसपास तो रहेगी इससे ऊपर ही जा सकती है और जो भी एक्चुअल कट ऑफ होगी वो बाद में ही पता लगेगी अगर फ्रेंड्स अब मोड ऑफ एडमिशन के बारे में बात कि किस तरीके से होने वाले तो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा ऑन दी बेसिस ऑफ दियर कैट स्कोर एंड अदर डिफाइंड पैरामीटर्स लेकिन वो अदर डिफाइंड पैरामीटर्स जिन्होंने अभी अपने एडमिशन ब्रोशर में नहीं बताएँ और जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको कैट स्कोर और जो अदर पैरामीटर्स हैं उन सब के बेसिस पर ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा जिसके लिए फाइनल कॉम्पोजिट स्कोर फाइनल जो एडमिशन होगा फाइनल स्कोर के बेसिस पे होगा लेकिन ये पैरामीटर्स इन्होंने अभी रिलीज नहीं करे जो जो दूसरा प्रोग्राम है फ्रेंड्स इनका वो है बिजनेस एनालिटिक्स का ये भी सिक्स ट्राइम का जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम है लेकिन इसका फोकस बिजनेस एनालिटिक्स के ऊपर रहेगा फॉर डेवलपिंग अ कॉम्पिटेंट कार्डर ऑफ बिजनेस एग्जीक्यूटिव जो कंट्री की ग्रोइंग रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे इन द फील्ड ऑफ डेटा एनालिटिक्स इस प्रोग्राम के थ्रू स्टूडेंट्स को एक्सपोज किया जाएगा कोर मैनेजरियल कॉन्सेप्ट के बिजनेस प्रॉब्लम्स के डेटा इको के इंक्लूडिंग डेटा मैनेजमेंट उसकी विजुअलाइजेशन केस स्टडीज डेटा ड्रिवन केस स्टडीज़ एंड टूल्स परफॉर्मेंस प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर जिनसे उनको सॉल्व किया जा सकता है इनकी एंडेवर ये भी रहेगी थ्रू दिस प्रोग्राम स्टूडेंट्स को अब्रेस्ट किया जा सके विद द इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स एंड इनोवेशन इन द इंडस्ट्री और बिजनेस एनालिटिक्स को कहा भी जाता है स्पेशलाइजेशन ऑफ द फ्यूचर है क्योंकि डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस के लिए और डेटा एनालिटिक्स उतना ही इंपॉर्टेंट होता जा रहा है तो ये जो प्रोग्राम है ये अभी इनका सिर्फ डेली कैंपस के अंदर होता है जो इसकी फी थी टू से ट्वेंटी की वो सेवनटीन लैक् सिक्सटीन थाउजेंड थी डेफिनेटली इस ईयर जब रिवाइज फी शेड्यूल आएगा तो उसमें थोड़ा सा अपर इंक्रीमेंट हो सकता है। इस फी के अंदर आपकी ट्यूशन फी, इंटरनेट लाइब्रेरी मेडिकल इंश्योरेंस, स्टूडेंट एक्टिविटी ये सारी चीजें हैं और अगर कोई बच्चा भी मिल सकता है अगर की, के बारे में बात करें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको जानना डिफरेंट है या तो आपके पास बैचलर्स डिग्री हो जिसमें आपके मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स हो लेकिन इस बैचलर्स डिग्री के अंदर आपका या तो मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स एज वन ऑफ दी सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर आपके पास बी टेक या बीई e. डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से जिसमें मिनिमम फिफ्टी परसेंट मार्क्स हो या आपके पास बैचलर्स डिग्री हो विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट इन ट्वेल्थ क्लास या तो आपने बैचलर्स डिग्री के साथ ट्वेल्थ क्लास में मैथ्स पढ़ी हो और जनरल मैथ्स होनी चाहिए अगर अप्लाइड मैथ्स पढ़ी है तो उसको ये कंसिडर नहीं करेंगे और जो बच्चे फाइनल ईयर में भी अपनी ग्रेजुएशन के वो भी एलिजिबल अप्लाई करने के लिए लेकिन उनकी ग्रेजुएशन थर्टी फर्स्ट अक्टूबर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर तक खत्म हो जानी चाहिए अगर फ्रेंड्स हम मोड्स ऑफ एडमिशन के बारे में बात करें तो ये जो बिजनेस एनलिटिक्स प्रोग्राम है सिर्फ डेली कैंपस के अंदर है कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कैट स्कोर और उसके बाद उनको बुलाया जाएगा वेल well डिफाइंड जो इनके पैरामीटर्स होंगे ये बताएंगे अभी तक इन्होंने रिलीज नहीं करें बच्चों को बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन एंड पर्सनल इंटरव्यू व्यू के लिए और फाइनल सिलेक्शन जो होगी उसके अंदर कैट स्कोर होगा जो जीडीपीआई में परफॉर्मेंस होगी उसको देखा जाएगा अकेडमिक परफॉर्मेंस टेन ट्वेल्थ को देखा जाएगा और वर्क एक्सपीरियंस के मार्क्स के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर होगी अगर हम सीट्स के बारे में बात करें तो टोटल सिक्सटी सीट्स है डेली कैंपस के अंदर ही इसकी बिजनेस एनालिटिक्स की तो इसके अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हो तो फ्रेंड्स अगर आप आईएफटी में अप्लाई करना चाहते हो तो इसका सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म की जो फी है फॉर जनरल ओबीसी एनसीएल कैंडिडेट वो थ्री थाउजेंड रुपीज है अगर एस सी एस टी पीडब्ल्यू टी बच्चे उनके लिए फिफ्टीन हंड्रेड रुपीज फीस है और एप्लीकेशन फी एक बार जो आपने पे कर दी वो रिफंड नहीं होगी और इस एप्लीकेशन फी को और एप्लीकेशन फॉर्म को आपको लास्ट डेट जो कि सिक्स डिसंबर है उसे पहले, पहले पहले भरना पड़ेगा तो अगर फ्रेंड्स हम आई की परफॉर्मेंस को देखे तो डेटा आपकी स्क्रीन के सामने सबसे पहले समर प्लेसमेंट देख लेते हैं हाइएस्ट आईपेंट फोर पॉइंट फोर लैक्स था एवरेज स्टाइपेंड टू पॉइंट सिक्स थ्री लैक्स था मीडियम स्टाइपेंड टू पॉइंट फाइव लैक्स था इंक्रीज इन एवरेज स्टाइपेंड आप देख सकते हो दो लाख से बढ़कर टू पॉइंट सिक्स थ्री लैक्स हो गया थ्री पॉइंट टू फोर एवरेज टॉप टेन परसेंट का था थ्री पॉइंट वन थ्री टॉप ट्वेंटी फाइव परसेंट का था एंड टू पॉइंट सेवन सिक्स टॉप सेंट का था हंड्रेड टोटल रिक्रूटर्स थर्टी सिक्स न्यू रिक्रूटर्स थे डोमेन वाइज आप डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो थर्टी थ्री परसेंट सेल्स एंड मार्केटिंग में ट्वेंटी परसेंट फाइनेंस एंड इंटरनेशनल बिजनेस में थर्टीन परसेंट जनरल मैनेजमेंट में इलेवन परसेंट कंसल्टिंग के अंदर एट परसेंट ट्रेड एंड ऑप्शन के अंदर एट परसेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट के अंदर सेवन परसेंट आईटी एनालिटिक्स के अंदर अगर फ्रेंड्स हम बैच प्रोफाइल की डाइवर्सिटी देखें तो 68 परसेंट बच्चे मेल्स थे 32 परसेंट फीमेल्स थी ट्वेंटी प्लस स्टूडेंट्स ऐसे थे जो सी ए सी एफ एफ आर एम सी एस एक्चुअल साइंसिस करके आए थे और 90 प्लस बच्चे ऐसे थे जो आई आई टीज एन आई टीज डी टी यू बी आई टी एस आर सी सी एल एस आर से थे बैच डेमोग्राफिक्स आप देख सकते हो सिक्सटी वन परसेंट इंजीनियर्स थे ट्वेंटी वन परसेंट कॉमर्स से थे टेन परसेंट इको स्टैच लॉ एंड आर्ट्स से थे एंड एट परसेंट साइंस एंड वर्क एक्सपीरियंस में जो जीरो टू ट्वेल्व के थे वो थर्टी सिक्स परसेंट बच्चे थे थर्टी सिक्स मंथ से ज्यादा वाले इलेवन परसेंट बच्चे थे एवरेज वर्क एक्स नाइनटीन मंथ्स का था उसके बाद आप डोमेन वाइज एक्सपर्टीज भी देख सकते हो आई टी एंड एनलिटिक्स है थर्टीन परसेंट कंसल्टिंग से 12 थे। अगर हम फाइनल देखें, तो था सिक्स लैक्स का था एवरेज सीटीसी ट्वेंटी का था मीडियम सीटी सी ट्वेंटी का था टॉप ट्वेंटी बच्चों का फोर्टी का था टॉप टेन बच्चों का 62.6 का था दैट इज टॉप फिफ्टी बच्चों का थर्टी सेवन का था। 108 टोटल न्यू रिक्रूटर्स थे 36 न्यू एसोसिएशन थी 17 प्लस इंटरनेशनल पोजिशन थी 16 परसेंट एवरेज सी टी सी बढ़ाए एट पॉइंट फाइव परसेंट मीडियम सी टी सी बढ़ाए सेक्टर वाइज आप देख सकते हो कि 23 परसेंट बच्चे प्रोफेशनल सर्विसेज में गए 25 21 ट्वेंटी परसेंट बी एफ एस आई में सेवेंटी परसेंट इन्फॉर्मेशन में फोर्टीन परसेंट एफ एम सी जी में एट सिक्स फाइव और फोर एनर्जी ई कॉमर्स ट्रांसपोर्टेशन फार्मा एंड ऑटोमोबाइल्स के अंदर गए डोमेन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपकी स्क्रीन के सामने ट्वेंटी टू परसेंट बच्चे सेल्सर मार्केटिंग में ट्वेंटी परसेंट कंसल्टिंग मेंसेंट फाइनेंस में थर्टीन परसेंट जनरल मैनेजमेंट में टेन परसेंट प्रोडक्ट मैनेजमेंट में और ट्रेड एंड आई टी के अंदर नाइन नाइन एट परसेंट रिस्पेक्टिवली है अगर फ्रेंड्स हम लिस्ट ऑफ रिक्रूटर्स देखें तो टॉप रिक्रूटर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे एक्सेंचर अडानी एमेजॉन अमूल एशियन पेंट्स कारगिल सिप्ला सिटी बैंक क्रिस्टल ई एक्सेल गोदरेज एंड द लिस्ट इज एंडलेस आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के सामने टॉप रिक्रूटमेंट हाउस टॉप कॉर्पोरेट हाउसेज ने यहाँ पे आके प्लेसमेंट्स रिक्रूटमेंट करी है तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर अंदर हमने कंप्लीट डिस्कशन आइफ के बारे में कर लिया तो अगर आपको आइफ का फॉर्म भरना तो प्लीज़ यार उसकी लास्ट डेट से पहले जाके भर देना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट फॉर्म्स की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कॉमेंट बॉक्स में मैंशन कर सकते हो हमें व्हाट्सएप या ई कर सकते हो प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जू कनेक्ट हो जाना और अगर आपको पेनड्राइव को स्क्रैच कोर्स या किसी लाइव बैच में एनरोल करना है तो हमारी वेबसाइट है यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी सो थैंक्स यू लॉट ऑल द बेस्ट कॉर प्लेस